नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड क्षेत्र में कल से स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुलने पर हालांकि सभी शिक्षकों को ही स्कूल आने की अनुमति होगी। बच्चों को स्कूल आने में अभी इंतजार करना होगा, अभी उन्हें ऑनलाइन शिक्षा ही ग्रहण करनी होगी। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित किड 7 पब्लिक स्कूल में कल से खुलने वाले स्कूल को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानाचार्य शोएब अहमद ने बताया कि कल से स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल में एडमिशन शुरू होंगे तथा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। सभी शिक्षक स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाएंगे। कल दिनांक 1/7/2021 से स्कूल खुलने जा रहा है, जिसकी तैयारी सरकार की गाइडलाइन के आदेशानुसार पूर्णतः पूरी कर ली गई है। अतः ऑनलाइन क्लास का संचालन विद्यालय से ही कराया जाएगा। धन्यवाद। कल 1/7/2021 से हमारे स्कूल में एडमिशन सत्र प्रारंभ हो चुका है, जिसमें प्ले से लेकर 11 तक के सभी बच्चों के एडमिशन स्टार्ट है और स्कूल को अच्छे से सैनिटाइजर किया गया है और सभी जो अध्यापकगण कल से आएंगे वो सभी मास्क लगा कर आएंगे। अतः आप सभी को यह अवगत कराना है कि कल से आप अपने बच्चों का एडमिशन प्रारंभ कर सकते हैं। स्कूल पूरे अच्छे से व्यवस्थित है। मास्क कोरोना वायरस को देखते हुए सभी सरकार की सभी पूर्णतः गाइडलाइन पूरी की गई हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से स्कूल बंद थे। अब 1 जुलाई 2021 से स्कूल खुलने जा रहे हैं। सरकार के निर्देशों के अनुसार सब कार्य किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि विद्यालय में पधारें, हमें सेवा का मौका दें। धन्यवाद। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि कल दिनांक 1 जुलाई 2021 से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन स्कूल प्रांगण से ही शुरू किया जाएगा। ये सभी ऑनलाइन कक्षाएं हमारे शिक्षकगण स्कूल प्रांगण से ही लेंगे और इसके साथ ही न्यू एडमिशन और कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य भी सामान्य रूप से चलेगा। धन्यवाद। आप सभी को सूचित करता हूं कि सरकार के आदेशानुसार प्रधानाचार्य और स्टाफ मेंबर्स को स्कूल में आने की अनुमति मिल गई है और शिक्षा का माध्यम ऑनलाइन रखा गया है। हमारे स्कूल में अच्छे उत्तम प्रकार के कंप्यूटर और वैक्यूम टैबलेट और वाईफाई कनेक्शन से हमने कंप्यूटर ऑनलाइन शिक्षा को बहुत अच्छा प्रक्रिया प्रदान की हुई है। सभी बच्चों और सभी गार्जियन से यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सभी ऑनलाइन कक्षाएं बहुत अच्छे से रूप से चलेंगी और जिन बच्चों को नए सत्र में एडमिशन लेना है वो हमारे स्कूल में आकर के मिल ले और नए एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ले। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल पुलिस ने दधेड़ू बस स्टैंड के पास से पत्नी को 3 तलाक देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी का यह पूरा मामला है। कुल्हेड़ी निवासी शहनाज पुत्री मारूफ की शादी 4 वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के गाँव सोजुड़ निवासी अनवार पुत्र इलियास के साथ हुई थी। आरोपी के ससुरालियों द्वारा महिला का उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसके संबंध में महिला शहनाज ने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में हिंडन पुलिस चौकी प्रभारी मोहित तेवतिया, कांस्टेबल सचिन कुमार, गौरव कुमार आदि ने आरोपी अनवार पुत्र इलियास निवासी गांव सुजड़ू थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर को दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गांव पावटी खुर्द में मिशन 2022 को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाकर सपा नेता दीपक उर्फ बोबी त्यागी ने ग्रामवासियों को जागरूक करते हुए नवयुवकों की वोट बनवाई। इस दौरान मुख्य रूप से शफीक त्यागी, समद त्यागी, डॉक्टर ताहिर हसन, साजिद अली, अली हसन, मतलूब त्यागी, ईशा त्यागी, भूरा त्यागी, यासीन त्यागी, कारी कमरेद, सत्तार त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।